इस्तेमाल किया गया, युवा पीढ़ी को एक गुट किया गया और एक नए प्रधानमंत्री की देन हुई, एक नए प्रधानमंत्री उभर कर सामने आए। क्या उम्मीदें, उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनकर आए हो। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वायदे हुए, क्या क्या दावे हुए, यानी मुझे वो याद आता है कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं, जब वो आए थे तो फिर कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। आए थे तो ये कहा गया था हर घर में रोशनी होगी, हालांकि रोशनी के नाम पे बड़ी मुश्किल से 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा सके 5 साल में, और कहा जाता है ने हमने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी 5 साल में। अरे 6.5 लाख गांव में किसने बिजली पहुंचाई थी? आपके रिश्तेदारों ने पहुंचाई थी, किसने पहुंचाई थी? तो उसकी तो कदर होनी चाहिए। लेकिन आज आप देखें चारों तरफ चमचों की बारात है, लोग स्तुति गान किए जा रहे हैं, जो देखो स्तुति गान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रचार मीडिया धन शक्ति का जिस तरह से जन शक्ति पे हावी होना, धन शक्ति का जिस तरह से मीडिया शक्ति पे प्रभाव पैदा करना, ये क्या हो रहा है? ये जो इतने साल कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी हालत क्यों बनी और किसके दौरान बनी, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनमें से आज एक आदरणीय हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ऐसा क्यों, ऐसी वजह क्यों हुई? कभी सुना था कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के लोग जाते जाते आप आदमी के 20 MLA को सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया, और दूसरा आते आते जिस दिन आए उस दिन उसकी पुष्टि भी कर दी। ये तो भला हो हमारे जुडिशरी का कि आप आदमी के इतने MLA जो बचे हैं, शायद वो सौभाग्यशाली नहीं है, जो बचे हैं लगता है कि उनको कहीं नजर लग गई, उनका नाम नहीं आया, सबको उठा उठा कर पकड़ना शुरू किया। क्यों भाई, लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी हो, ये आपके देश के हित में है, एंटी नेशनल तो नहीं है। लोकतंत्र में सबको जीने का, सबको आगे बढ़ने का, सबको पनपने का पूर्ण अधिकार है। आखिर ऐसा क्यों किया? जुडिशरी देख लो आप, जो मैंने कहा कि लोग बाहर आ गए सुप्रीम कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन, हमारा इलेक्शन कमीशन, हालत क्यों हुई? एक ही दिन 2 प्रदेश के चुनाव की घोषणा होनी थी, हिमाचल की और गुजरात की, जैसा ममता जी कह रही थी, गुजरात की।